Very good morning, students. This is your English lecture number 2. Okay. हमने जो last lecture था उसमें आपको मैंने vowel और consonant के बीच में difference describe किया था. जो आपका second lecture है उसमें हम बात करेंगे आज use of a and n, है ना, कि a कहाँ use किया जाता है और n कहाँ पर use किया जाता है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सबसे पहले आपकी बुक का जो लेसन नंबर 0 है लेट्स गेट रेडी उसे डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है ना. उसका फर्स्ट टॉपिक था वोवेल एंड कंसोनेंट एंड सेकंड टॉपिक है ए एंड एन. सबसे पहले मैं आपको ए एंड एन कहाँ यूज किया जाता है उससे पहले आपके वोवेल फिर से रिमेम्बर करवा देती हूँ. हाउ मेनी लेटर्स इन द अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर इन द अल्फाबेट, 5 वोवेल एंड अदर 21 इज अ कंसोनेंट. विच वोवेल, विच लेटर इज वोवेल, ए ई आई ओ यू, है ना. आई रिपीट, ए ई आई ओ यू और उसके बाद जो अदर लेटर्स बचते हैं उसे हम कहते हैं कंसोनेंट. ओके, नाउ अभी तक आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाया होगा कि ए ई आई ओ यू, अगर ये आपको स्टार्टिंग में दिख गया तो अब आपको एन लगा देना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हम वोवेल को और कंसोनेंट्स को उसके साउंड से पहचानते हैं, है ना. अगर आपका साउंड ए ई आई ओ यू पे डिपेंड होता है, उससे स्टार्ट होता है, तो हम वहां पर यूज करते हैं एन. बिकॉज ऑफ द रूल एन इज यूज बिफोर. बिफोर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़े होंगे ना, कि बिफोर, आफ्टर, बिटवीन. बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, और बिटवीन मीन्स बीच में, है ना. तो एन हमेशा वोवेल के पहले लगाया जाता है. बिफोर मीन्स पहले. ए इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले लगाया जाता है ए, ठीक है. लुक एट सम एग्जांपल हियर. सपोज हमने स्टार्ट किया है एप्पल, तो इसका साउंड क्या हो रहा है, अपल हो रहा है कि एप्पल हो रहा है, एप्पल हो रहा है ना. तो हम इसके साउंड पे डिपेंड करेंगे, हम सिर्फ इसको नहीं देखेंगे कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है. कॉन्सोनेंट में और वोवेल में हमेशा ए और एन को उनके साउंड से पहचाना जाता है. तो एप्पल ए, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, एन, क्योंकि वोवेल हमेशा यूज करता है एन को और कॉन्सोनेंट यूज करता है ए को. पेन, नाउ फर्स्ट लेटर पी इज कॉन्सोनेंट और वर्ब कॉन्सोनेंट, है ना. वी यूज हियर ए, अ पेन. आई सी ई, आई साउंड क्या आ रहा है, आई, और आई इज अ वोवेल. वी यूज हियर एन, एन आईज. इन पेज नंबर 17 आपको ऐसे रिलेटेड बहुत से एक्सरसाइज और जो आपके एग्जाम्पल्स है वो आपको यहाँ पर शो किए गए हैं ना. सपोज एन एम एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन गार्डन, अ ट्री, अ नेस्ट, अ लिटिल बर्ड, अ बस. There are 5 vowels, A,
I O U. N is used before the vowel, यानी कि N को vowel से पहले use किया जाता है, just like that. A is used before the consonant, just like that. Okay. Have a nice day and remember the things. Goodbye, students.